ये दक्षिणावर्ती शंख है, ये बोलने वाला शंख है, 17 प्रकार के शंख होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है तो 10 बज गए हैं यार। तो 10 बजे से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है और आज का जो ब्लॉग है मैंने भगवान जी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे भगवान जी की स्थापित हुए हैं, न्यू आए हैं अभी, तो उनको अभी गेहूँ में उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए, मतलब उनको गेहूँ में रखा गया है। तो उसके बाद फिर जो भी है पंडित जी के अनुसार उनको मतलब बदला जाएगा, गेहूँ में, उसके बाद चावल में और फूलों में, मतलब जो भी है, खैर वो तो पंडित जी जानते हैं, मैं तो पंडित नहीं हूँ। तो अभी फ़िलहाल गेहूँ में है, मैं आपको दिखाऊँगा एक बार। तो देखिए, यहाँ पे भगवान जी की जो तुलसी है वो बहुत ज़्यादा प्रिय होती हैं, तो यहाँ पे तुलसी का पौधा रखा हुआ है और यहाँ पे गेहूँ में भगवान जी को रखा गया है। तो यहाँ पे जो भी मतलब गेहूँ लेके आ रहे हैं तो उनका मतलब यहाँ पे रखा है उन्हें, और इस तरीके से इनका जो सेटअप बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया है, ये देखो। तो यहाँ पे ईंटें लगाई गई हैं और जिससे कि थोड़े पे काम चले, से तो काफ़ी हम दूरी में को भी ले सकते थे, लेकिन पता नहीं भाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने थोड़े की वजह से पंडित जी ने इस तरीके से करवाया। तो ऐसे यहाँ पे ईंट लगा करके है, तो उसके बाद यहाँ पे गेहूँ डाले गए हैं। तो यहाँ पे कृष्ण राधा की मूर्ति हैं जो कि काफ़ी मतलब ऊँची हैं। तो उसके बाद अब यहाँ पे कुछ मंत्र स्टार्ट होंगे थोड़ी देर में, अभी पंडित जी आए नहीं हैं, 10 बजे बजा दिए उन्होंने, वैसे सुबह 9 बजे बोल रहे थे कि हम सुबह 9 बजे आ जाएंगे, लेकिन पता नहीं किस वजह से मतलब उनको देर हो गई है, फ़ोन भी किया है लेकिन अभी नहीं उठा पाए हैं वो फ़ोन। तो चलो देखते हैं, थोड़ी बाद देर बाद आपके साथ शेयर करूंगी, जो भी होगा देखूंगी। और फिलहाल अभी मंदिर में काम चल गया है इनको स्थापित करने के लिए, जो कि इनका स्थान बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने माचिस रखी हुई थी तो पूजा करी थी, तो इसको तो मैं उठा लेती हूँ और ज़रा सा फ़ैन बंद कर दो ना, तुरंत गर्मी लगने लगती है। फ़ैन अभी तो अभी गर्मी पड़ रही है इसलिए। तो ये सभी लोग लगे हैं मंदिर में अभी फ़िलहाल, वहीं पे गए हुए हैं, मैं अकेले और सुबह जल्दी उठ के पूरा काम ख़त्म किया है। आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो, बैंक की किताब दो, तुम्हें जो बात होता नहीं कर्जा में तो ले रहा कर्जे में नहीं पंडित जी, कर्जे में नहीं है, कर्जे में तो नहीं है, कर्जे में नहीं है। क्यों गुरु जी, कर्जे में तो नहीं है फोन ना जी, किस्त कर्जे में ही है। अच्छे ना, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, किस्तों पे ले रखा होगा। किस्तों पे हाँ, वीडियो तो वीडियो यूट्यूब पे जाएगी ना, पता भी तो चलना चाहिए पंडित जी सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। भाई कोई ऐसा ना समझेगा पंडित जी किस्तों पे चल रहे हो क्या पंडित जी। तो ये हमारे पंडित जी हैं। पंडित जी किस चीज़ के लिए तैयारी हो रही है? ये जो श्री राधे श्याम जी, ये जो तैयारी हो रही है और राधा कृष्ण राधे रानी की जो है और कृष्ण भगवान की जो जुगल जोड़ी है, अच्छा जी, उसकी प्रतिष्ठा के लिए जो ये चौकियां बन रही हैं, अच्छा जी, वेदी पूजन के लिए, अच्छा ये षोडश मातृका है, अच्छा जी, आगे नवग्रह बनेगा, सर्वदो भद्र बनेगा। तो पंडित जी ये क्या है? ये षोडश मातृका है। अच्छा, षोडश मातृका वरुण है, कलश स्थापित होगा, अभी ये जो खाली है इन पे भी बनेगा। हाँ, यहाँ पंचपीठ बनेगी। अच्छा, ये पंचपीठ के लिए होगी, पंचपीठ के लिए है, यह सर्वदो भद्र बनेगा। अच्छा, ओम है स्वस्ति है, जो चौकिया और सब तैयार हो रही है, सब अलग 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 बनेगा। और ये पंडित जी ये क्षेत्रपाल है, जो क्षेत्र की पूजा की जाती है, क्षेत्रपाल क्षेत्र की पूजा की जाती है, जिससे हमारे क्षेत्र में
कोई भी विघ्न आने से पहले क्षेत्र की पूजा हो जाएगी तो प्रवेश नहीं करेगा। अच्छा जी, ये क्षेत्रपाल की पूजा इसलिए विशेष की जाती है, क्षेत्रपाल चौकी बनाई जा रही है। मतलब क्षेत्रपाल का कह सकते हैं कि एक तरह से जो रक्षक, एक तरह से जैसे गांव का प्रधान होता है, इसी प्रकार से अपने क्षेत्र का रक्षक होता है। रक्षक कह सकते हैं, रक्षक कह सकते हैं। अच्छे अच्छे, इसलिए क्षेत्रपाल की पूजा के लिए क्षेत्रपाल चौकी तैयार की जा रही है। चलिए जी सर, धन्यवाद। ये पंडित जी भी अपना तैयारी कर रहे हैं इधर। नहीं पंडित जी नहीं लाए इनको, तो गुरु जी ये वाले तो आपने बताया था कुछ? अच्छा जी, नवग्रह पीठ बन रही है। अच्छा जी, इसमें सूर्यदेव है, ये सूर्यदेव है, ये मंगल है। तो ये गुरु जी बैठे हुए हैं, राधे कृष्णा सीताराम, सीताराम राधे कृष्णा। तो पंडित जी ने तो ये तैयार कर दिया है। पंडित जी ये षोडश मात्रिका है, षोडश मात्रिका तैयार हो गई है। ये नवग्रह पीठ है, और ये नवग्रह पीठ इसमें सूर्य है, चंद्र है, हाँ मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, राहु केतु और शनि तीनों यहाँ बनेंगे। और इस पर ये पंचपीठ बनेगी। हाँ ये तो हो गया। और वो स्वस्ति हैं। अच्छा ये स्वस्ति हैं जी जी जी। ये सप्तमात्रिका है, ये सप्तमात्रिका है, ये कान्हा जी का वहाँ आसन है। और एक चौकी अभी एक तैयार होगी जो स्वस्ति बनेगा, ओम बनेगा, श्री बनेगी। अच्छा जी, और सारदो भद्र भी बनेगा। अभी समय लगेगा चौकी बनने में, चलिए हाँ वो बाद में दिखाएंगे, बाद में दिखाएंगे, अभी के लिए ये है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। नहीं नहीं चौकी नहीं, उसको हाँ ये मावस पूर्णिमा से नहीं, एक ही साइड पीछे लो। वैसे एक चीज देखी जाए, अगर हम इन्हें बिल्कुल बीचों बीच स्थान दें तो कैसा लगेगा? इधर भी कदली वृक्ष, एक कदली वृक्ष इधर आ जाएगा, एक कदली वृक्ष इधर आ जाएगा, एक कलश स्थापित हो जाएगा, रुद्र कलश जो स्टील का ये वाला, ऐसे स्थापित कर दें। बीचा बीच में एक चीज रहे हैं। अच्छा तुम्हारा क्या नाम है? ये बीचा बीच कर रहे हैं भैया, आपकी इच्छा है कि कौन सा ले जाऊंगा? और हम राजू थोड़ा ढीला करो, हाथ नहीं आने का तेरा, वहां से कर दिए पंकज ढीला, थोड़ा कितने करते हैं? हाँ थोड़ा कर दो, थोड़ा ढीला करो, ढीला एक पकड़ लेंगे, पंकज पकड़ लेगा, अन्न से बाहर निकाल देंगे। अच्छा जल का सेवन हो रहा है, जल का सेवन।
तो जी ये क्या आकृति बन रही है? गणेश जी बन रहे हैं। गणेश जी बन रहे हैं गिनती भी करता रही कट्टा में भगवान के लिए क्या मेहरबानी करेंगे भैया। यही अपने अपने सिर पर सभी दुपट्टा रखे, कपड़ा रखे, रूमाल रखे, अंगूठा रखे, कुछ भी रखे। अरे ओ कहां गए राजू? अरे देखे थे पापा कहां गए? अरे पूना में रूमाल दे पंकज को। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल राधिका रानी जय। बस्ती माता जय। गणेश भगवान की जय। स्वस्थ भगवान की जय। तुलसा मैया की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। दुर्गे मैया की जय। श्यामल मैया की जय। पितृ देवताओं की जय। कुल देवताओं की जय। इष्ट देवताओं की जय। सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे। अच्छा ये बताओ, मैं तो अकेला बोला हूँ, आप सभी इतनी बलवाके बिहारी लाल की जय। राधिका रानी की जय। बरसाने वाली की जय। जय जय श्री राधे। आज ही शाम को कल सुबह को आना, अभी शाम के चक्कर में लो। संकल्प तिलक वगैरह सब स्वस्ति मूसू हाथ हटा ले आप सभी उपस्थित हैं। आप ये ना जाने कि हमारी दादाएं बाबाएं चाचाएं भैया दादाएं कोई भी पुत्र नहीं है। भगवान ने ये कहा है कि खाली पात्र में तो मैं स्थापित बिना आसन के तो भगवान भी अपना स्थान ग्रहण नहीं
कर सकते हैं, इसलिए अपने हाथ में पुष्प धारण रखकर जिस पे जैसी सामर्थ्य हो अपना स्थिति को अनुसार अर्पण करने की व्यवस्था बनाकर जाते हैं। अतः सच्ची वात्रह पुष्पम अक्षतम दद्यात् वर्षनोदन जाय सरोवर पसंद है अभी पिता सिद्धार्थम पूजतो या सुरेश्वरे सर्वपुर हरत्मस्मे गणाधिपते नमः सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वात् साधिके क्षणत्रमेव हरि नारायणे नमस्तुते। 1945 महाशोत्रनाम मासे उत्तमे मासे श्रेष्ठ मासे यत्राणाम भाद्रपदतम मासानाम मासे कृष्ण यत्राणाम कृष्ण पक्षे सुवतत्यास्मि अमुपवासरे चंद्रवार सोमवार वासरे आद्यात अमुक गोत्रपन्नाहम ब्रह्मवानिया गोत्रपन्नाहम अमुक नाम ने धर्मतार श्रीमान चौधरी बाबूजी अपना नाम बताइए। करण सिंह जी नाम ने यक पुरुष नारायणी भारिया नाम ने तुम्हारी सुमलक्ष्मी है भारिया जी का क्या नाम है यानी पत्नी का है जी पत्नी वो उनकी है सुमलक्ष्मी है भारिया नाम ने सुमन देवी नाम ने है सह यत्रेडाम परिवारस्यः ज्येष्ठ पुत्रः नाम ने बड़े बेटे का नाम बताओ अमित बाबूजी ताने का प्रयोग करें तो नाम बताओ बाबूजी अमित है नाम नश्य है यत्रेण अनुज पुत्रः नाम ने हम सब गोत्रवासी पूजन अर्चन आवाहन और भोग के लिए सज्जित हो रहे हैं यत्र तत्र सर्वत्र हम सब यत्र पूजन के लिए स्थापित संकल्प के लिए अक्षत अक्षत पुष्प पुष्प को हाथ में ग्रहण किए हुए हैं आप जैसे जैसे स्वयं शीतल हो और मंद सुगंध और गंध के साथ में कल कल करती हुई हे जमुना भैया हे गंगा भैया जैसे आपका वेग चलता रहता है कभी भी पैरदान इसी प्रकार से हमारे परिवार में हमारे कुल में हमारे कुटुंब में इसी प्रकार से हरा भरा हमारा कुटुंब रहे और सभी हे प्रभु आनंद दाता जान हमको दीजिए लीजिए हमको शरण में अवगुणों को दर दीजिए। कितने बजे का टाइम है? कहेंगे हे गंगा मैया मुंह से बोलेंगे या शर्मा की बात नहीं है हे जमुना मैया आपको हमारे परिवारवासी कुटुंबवासी राधिका रानी की जय बरसाने वाली की जय वाले कोने पे हाँ पहुंचाओ और पहुंचाओ और अंदर करो और अंदर करो और अंदर ये हाथ जोड़िए सभी ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिप्रांत पारे भानो संतो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वंदो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या निर्गुणं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देव देव करपूर गौरं
करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा एक बार देख तो लेते और ले आओ चल ये दक्षिणावर्ती शंख है, ये बोलने वाला शंख है, 17 प्रकार के शंख होते हैं। चलो तो एक तो दाने दे ही जाओगे दूसरा लादन कल दू नहीं कह सकते मेरे साथ चल सारी चीज सिखा देंगे दूसरा वाला संघ का 5 जन्य है।